नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। सिद्धार्थनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सभागार में शुक्रवार को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम का माहौल अचानक बदल गया। विधायक विनय वर्मा भड़क गए और जिलाधिकारी संजीव रंजन पर उनकी शिकायतों और जायज मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाने लगे। इससे हंगामे जैसे हालात हो गए। विधायक को मनाने के लिए सांसद को भी आगे आना पड़ा। मेडिकल कॉलेज सभागार में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा से जिले के क्षय रोगियों को गोद लिए जाने का कार्यक्रम में सांसद जगदम्बिका पाल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे, मतलब वहां पर मौजूद थे। जिलाधिकारी संजीव रंजन के बोलने के बाद विधायक विनय वर्मा का नाम आता है। वो संबोधन शुरू करते हैं तो उन्होंने अधिकारियों पर विधायक का प्रोटोकॉल नहीं मानने का आरोप लगा दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि सत्ताधारी भाजपा के सहयोगी दल का विधायक होने के बावजूद कई बार शिकायत के बाद भी भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है। जिन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए उन्हें स्थानांतरित कर दिया जाता है। और इसी बीच सांसद जगदम्बिका पाल माहौल को संभालने की कोशिश करते हुए नजर आए। वे खड़े होकर विधायक को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बात करने को समझाते नजर आए। इस बीच मंच पर बैठने के बाद भी विधायक अपनी बात दोहराते हुए नजर आए, जबकि बगल में बैठे जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपको सुनवाते हैं। सुना आपने, ये तस्वीरें हैं सिद्धार्थनगर की। और यहाँ पर जो विधायक जी हैं विनय वर्मा, अपना दल से विधायक हैं, ये भड़क गए अचानक और जो जिलाधिकारी वहाँ पर मौजूद थे उनको लेकर कुछ बातें कहने लगे। गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि वो उनकी सुनवाई नहीं होती, भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ वो शिकायत करते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसी बीच सांसद जो है जगदम्बिका पाल वो बीच में आते हैं, बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, मामले को शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन विधायक जी का पारा हाई था, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। मुख्य सचिव के निर्देश की भी अनदेखी यहाँ पर की गई है। विधायक विनय वर्मा का कहना है कि उनके क्षेत्र में काम करने वाला अधिकारी चाहिए, स्थानीय स्तर की समस्याओं को निदान नहीं होने पर उन्होंने मुख्य सचिव से बात की तो उन्होंने जिलाधिकारी को बैठक कर बात करने के निर्देश दिए, लेकिन डीएम की तरफ से कोई पहल नहीं की गई, यही नाराजगी थी। और उसके बाद बवाल मच गया स्टेज पर। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए लखनऊ ब्यूरो चीफ दानिश मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ सिद्धार्थनगर से मेरे सहयोगी दीप भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं दीप का रुख करूंगी। दीप, बड़ा मामला है, सांसद मौजूद हैं वहां पर, विधायक जी जिलाधिकारी से इतने नाराज हो जाते हैं कि एक के बाद एक अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं। कहते हैं कि हम कोई भी शिकायत लेकर जाते हैं उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके अलावा वो कहते हैं कि हम सत्ता पक्ष जो है उनके सहयोगी दल हैं, उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हालांकि इस बीच इस पूरी प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जिलाधिकारी मौन बैठे रहते हैं। क्या पूरा ये मामला है, किस बात को लेकर इतना गर्मागर्म माहौल देखने के लिए मिला? जी, मैं आपको बता दूं, ये सिद्धार्थनगर जिले के मेडिकल कॉलेज में जो है टीबी मुक्त भारत का प्रोग्राम रखा गया था, जहां पे सभी विधायकों को बुलाया गया था प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। सांसद जगदम्बिका पाल भी वहां पे मौजूद थे। विधायक जी ये जिला प्रशासन के ऊपर इसलिए भड़क गए क्योंकि उनका कहना था जिस तरीके से सत्ता दल के विधायकों का सम्मान दिया जाता है, उनको इज्जत दी जाती है, उस तरीके से हमको नहीं दिया जाता, हमको उनसे अलग रखा जाता है। क्योंकि मैं
अपना दल से सिद्धार्थनगर में इकलौता विधायक हूँ। ये जब से विधायक बने तब से अपने क्षेत्र की अन्य अलग अलग समस्याओं पर हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखते रहे हैं और नौकरशाहों पर हमेशा ये आरोप लगाते रहे कि ये लोग मेरी नहीं सुनते हैं, ये लोग जो है अपनी वाली ही करते हैं, मेरे क्षेत्र के लोग जाते हैं या मैं किसी समस्या को इन तक पहुंचाता हूं तो उस पर ये लोग काम नहीं करते। इसी को लेकर ये जिला अधिकारी के ऊपर भड़क गए और एक से एक जो समस्याएं थी वो बताने लगे। उन्होंने कहा कि आपके पास कलम है और कलम की ताकत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी बात पे लेकर बहस हो रही थी जिस पर सांसद जगदम्बिका पाल भी बीच में आए, बीच बचाव करने की कोशिश की, उनको समझाया, फिर बैठाया, फिर प्रोग्राम आगे चला। जी बिल्कुल। और दानिश का मैं रुख करूंगी, दीप आप मेरे साथ बने रहिए। दानिश, इतना बड़ा मामला है, आखिर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से विधायक इतना आग बबूला हो गए हैं और सीधे जिलाधिकारी पर उंगली उठा रहे हैं, कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सांसद जी चुप कराते हुए नजर आ रहे हैं जगदम्बिका पाल, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है, यानी धुआं अगर कहीं उठा है तो आग लगी है। और ये यहाँ पर रही बात विधायक विनय वर्मा की, जो अपना दल के सहयोगी दल है बीजेपी से, और बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल साथ में डीएम मौजूद है, जाहिर है विधायक जी काफी अरसे से परेशान होंगे और इसकी आग कहीं ना कहीं धुएं में लिपट गई। आज विधायक जी का आपा खो बैठे हैं, वो उन्होंने गुस्से में साफ साफ लफ्जों में ये बात कही है कि विधायक का प्रोटोकॉल क्या है शायद इन्हें नहीं मालूम, विधायक का सम्मान क्या है शायद इन्हें नहीं मालूम, और डीएम साहब बीच में बैठे हुए हैं, डीएम साहब खामोशी इख्तियार कर लिए हैं। कहीं ना कहीं खामोशी भी कई सवाल खड़े कर जाती है, लेकिन जिस तरीके से विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और सांसद को बीच बात में बचाना पड़ा, मान मनोवल करना पड़ा, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर अधिकारी शायद उनकी सुन नहीं रहे हैं, या फिर सांसद जगदम्बिका पाल की बात हो या अपना दल के सहयोगी विधायक की बात हो। मुझे लगता है कि आपस में जो गठबंधन चल रहा है इसमें भी कहीं ना कहीं खींचतान चल रहा है। सिद्धार्थ नगर की बात की जाए तो जो वहां के डीएम है, मुझे लगता है वहां पर अपना दल के जो सहयोगी दल है बीजेपी के, शायद उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने जो एक शब्द कहा कि 2 करोड़ की बात, जिलाधिकारी साहब संजीव रंजन से बातचीत हो जाए, हम उन्हें फोन भी मिला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही हम उनसे संपर्क करें और जाने कि क्या जनता के बीच इस तरह का मैसेज क्या सही जा रहा है। स्टेज पर इस तरह से जो विधायक हैं वो आरोप लगा रहे हैं जिलाधिकारी पर, सांसद वहीं पर मौजूद है, मुख्य सचिव निर्देश दे रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है, और जिस तरह के आरोप यहाँ पर विधायक लगा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि एक बार फिर से उन्हें फोन मिलाया जाए संजीव रंजन जी को, उसके बाद हम विधायक जी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दानिश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो अपना दल के जो विधायक हैं विनय वर्मा, वे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, और सहयोगी उसे कहा जाता है कि जैसे कि एक कुर्सी के 4 पैर में 1 पैर। हालांकि विधायक जी किस बात को लेकर इतना ज्यादा उखड़ गए हैं कि सांसद को समझाना पड़ा और वो सांसद से भी उखड़ते चले गए और डीएम साहब को आड़े हाथों लेते चले गए, लेकिन उन्होंने जो एक शब्द कहा, मुझे लगता है वो बोलते बोलते जबान फिसलते फिसलते शायद उनकी बच गई। उन्होंने एक बात कही कि डीएम साहब जो है मेरी सुनते नहीं है, और उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखा और मैं मुख्यमंत्री के पास नहीं जाऊंगा मनाने। दूसरा उन्होंने यहाँ पर ये बात कही 2 करोड़ की, उन्होंने 2 करोड़ की बात कही और अपनी बात कहते कहते उनकी जबान फिसली रही थी कि अचानक जगदम्बिका पाल साहब आए और उन्होंने समझाने की कोशिश की, विधायक जी रुक जाए, ये आखिर 2 करोड़ का मामला क्या है, ये 2 करोड़ और वीडियो का खेल क्या है, क्या 2 करोड़ में कोई लेन देन का मामला है या कोई कमीशनखोरी का खेल है या फिर वीडियो पर कोई कार्रवाई का खेल है। उन्होंने बातों बातों में एक बात ये भी कही कि वीडियो के ट्रांसफर की बात की, तो इसके पीछे रणनीति हकीकत क्या है ये तो माननीय विधायक जी खुद ही बता सकते हैं, अगर वो चाहे तो न्यूज़ 8 के कैमरे पर वो अपना दर्द बयान कर सकते हैं। बिल्कुल दानिश, बिल्कुल। और डीएम साहब की बात की जाए, दीप का मैं रुक करूंगी। दीप, सिद्धार्थनगर में इस वक्त किस तरह का माहौल है, क्योंकि विधायक सीधे जिलाधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से दानिश ने भी बताया कि 2 करोड़ का भी जिक्र किया जा रहा है, क्या ये पूरा मामला है और किस तरह का माहौल देखा जा सकता है सिद्धार्थनगर में? जी, मैं बता दूं आपको, ये वीडियो वायरल होने के बाद जो है लोगों तक पहुंचा और बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लोग जो है एक शंका में पड़े हुए हैं कि क्या मामला था जिस चीज को लेकर विधायक जी इतने नाराज हो गए और जिला अधिकारी पर भड़क गए, सांसद जी को बीच बचाव करना पड़ा, और ये कोई नया मामला नहीं है। कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका नंबर नहीं लग रहा है, विधायक जी को भी हमने फोन करने की कोशिश की लेकिन उनका नंबर बिजी जा रहा है, वो बिजी है, तो ऐसे में हम चाहते थे कि वो फोन पर आए, हम उनसे सवाल करें और जवाब तलाशने की कोशिश करें कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है और उसका मैसेज जनता की तरफ किस तरह से जाता है।
दीप सिद्धार्थनगर जी, मैं आपको बता दूं, विनय वर्मा जी से मेरी बात हुई थी, वो किसी स्कूल के कार्यक्रम में थे। उन्होंने कहा कि मैं कार्यक्रम में हूँ और मैं यहाँ से बाहर निकल के फिर मैं आपसे बात करता हूँ। उनसे मेरी बात नहीं हो पाई कि पूरा मामला क्या है इसका, इसलिए मैंने नंबर चैनल को दे दिया कि वहाँ डायरेक्ट बात हो जाएगी तो वो अपनी बात रख पाएंगे। मामला क्या था, किस चीज की नाराजगी थी जो ये जिला अधिकारी के ऊपर इस तरीके से नाराज हुए, और ये कोई नया मामला नहीं है, लगातार कई बार इस तरीके के आरोप जिला प्रशासन पे और लगाते रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की मांग करते रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि मैं विधायक चुनकर आया हूँ, मेरा क्षेत्र है, यहाँ पे काम होना चाहिए और काम सही से होना चाहिए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, अगर कोई काम गलत होगा तो उसकी जवाबदेही मेरी होगी क्योंकि मेरे क्षेत्र में होगा। इसी को लेकर ये हमेशा जो है बिल्कुल रहते हैं और आरोप लगाते हैं। पूरा जो एक प्रकरण है वो ये भी है कि प्रधानों ने विधायक पर आरोप लगाए हैं कमीशन मांगने के, कितनी सच्चाई है इसमें? जी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो सरकार से धन आता है पेमेंट के लिए ब्लॉकों में, वो ब्लॉक के सारे प्रधानों को जाना होता है, वो सीमित धन होता है, एक बार में सबको नहीं दिया जा सकता है, ये वीडियो का कहना है, और जितने पेमेंट आते हैं उसमें दे दिए जाते हैं। और कमीशन की बात रही तो कमीशन का खेल तो ब्लॉक से शुरू होकर विधायक और ऊपर तक जाता है, ये बात किसी से छुपा नहीं है, इसी वजह से जो है ये पेमेंट भी रुका होता है, गाँव का विकास भी रुक जाता है। ये कमीशन का बहुत बड़ा खेल होता है जो विवादों में हमेशा रहता है, कोई प्रधान आरोप लगाता है तो कोई वीडियो पर आरोप लगाता है, इस तरीके से चलता रहता है। बिल्कुल, और डीएम जो है संजीव रंजन, वो कह रहे हैं कि उनके पास विधायक की तरफ से जो भी मामले आते हैं उनमें नियम के अनुसार कार्रवाई की जाती है, मतलब क्या यहाँ पर सच्चाई क्या है, क्या एक के बाद एक परतें इसमें लगी हुई है, जोठनी बाकी है, कौन सच्चा है कौन झूठा है? अब इस बात को तो स्पष्ट वही कर पाएंगे अगर विनय वर्मा जी आते न्यूज वर्क पर सामने आकर, वो बताते कि क्या समस्याएं थी, उन पर आरोप क्यों लग रहे हैं, ये जिलाधिकारी पर आरोप क्यों लगा रहे हैं, ये बातें तो खुद जब वो आते सामने तो खुलकर सामने आती, क्योंकि जो बातें हो पाई है वही हम लोग बता सकते हैं। अगर वो आते तो वो हम लोगों से ज्यादा बेहतर बताते अपनी समस्या को कि पूरा मामला क्या है। चलिए ठीक है दीप, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं दानिश शुरू करूंगी। दानिश, एक आखिरी सवाल आपसे कि इस पूरे मामले को लेकर क्या लगता है, क्या वाकई जो आरोप पहले भी लगते आए हैं और अब भी लग रहे हैं प्रशासन पर, वो वाकई सच्चे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, या सिर्फ एक महज जो विधायक हैं वो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो अपने कामों को छिपाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? नहीं, देखिए जिस तरीके से भरी सभा में, सरकारी कार्यक्रम में, सांसद के सामने, और खास करके मैं बताना चाहता हूं कि इस तरीके के प्रोटोकॉल को लेकर के विधायक का सवाल खड़े करना और सांसद को इस चीज का बीच बचाव करना, 2 करोड़ की बात को जुबान से आते आते उसके बाद फिसल के फिसलते फिसलते रुक जाना, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि अंदरूनी बात शायद कुछ और है जो जुबा पर नहीं आ पाई। मुझे लगता है कि विधायक जी को साफ बात करनी चाहिए, और विधायक जी के पास ऐसा कौन सा दर्द है जो दानिश। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। दीप, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। सिद्धार्थनगर का ही पूरा मामला, जहां पर माहौल जो है वो गर्म तब नजर आया जब विधायक जो है वो जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए, अपनी पीड़ा अपना दर्द बयां करते हुए नजर आए। उनका कहना है कि विधायक का सम्मान नहीं होता, विधायक का प्रोटोकॉल क्या होता है ये जिलाधिकारी नहीं जानते। बीच बचाव में सांसद कूद पड़े लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हुई है, मुख्य सचिव वहीं पर मौजूद थे, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पूरे मामले में कौन सच्चा है कौन झूठा है ये जानने की हमने कोशिश की है, लेकिन वक्त के साथ इस पूरे मामले से पर्दा जरूर उठेगा। उम्मीद है कि निष्पक्ष जाँच इस पूरे मामले पर की जाएगी। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।